मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मिनी विवाद को लेकर सुखलाल खेड़ा में कई राउंड फायरिंग, दहशत मारपीट में एक युवक घायल। उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के सुखलाल खेड़ा में विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जहां दोनों पक्षों में झगड़ा लिया, जहां उन्होंने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की, जिसे गांव में दहशत फैल गई। फायरिंग की आवाज सुन ग्रामीण दौड़े और पुलिस को सूचना दी। वहीं ग्रामीणों को आता देख मौके से भाग निकले। इस दौरान एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल। शुक्लागंज के गांधीनगर पौनी रोड निवासी दीपेनाम प्रकाश शुक्ला की सुख में 50 बीघा जमीन है। सोमवार ट्रैक्टर चला रहे थे, तभी सुखलाल खेड़ा निवासी अनु यादव पुत्र अनिल कुमार मौके पर भी 3 बीघा जमीन पर ट्रैक्टर चलवा दिया, जिसका उन्होंने विरोध किया। विरोध मारपीट हुई। इस दौरान दीपेंद्र ने 3 से 4 दर्जन दबंग प्रवृत्ति के लोगों को बुला लिया, जहां बाइकों से वो लोग पहुंचे और एक के बाद एक करीब 10 से 12 राउंडों ने इसकी जानकारी गंगा घाट कोतवाली पुलिस को दी। वहीं ग्रामीणों ने फायरिंग कर रहे लोगों को दौड़ा दिया। ग्रामीणों को आता दे अपनी बाइकें छोड़कर भाग निकले। वहीं मारपीट में सोनू निषाद के हाथ में चोटें आने पर पुलिस ने उसे बुरा गैंग के सदस्य आए दिन मारपीट करने के साथ ही एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन गंगा घाट ही नहीं कर पा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और शांति। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।